वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पैसालो डिजिटल की स्टॉक के बारे में। यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो अर्निंग है Q4 की, वो यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि यहाँ पे जो Q4 के नंबर हैं कंपनी की तरफ से, वो यहाँ पे कैसे हैं। उसके पहले एक चीज़ और कंफर्म कर दूँ, कंपनी ने 10 पैसे पर शेयर का यहाँ पे डिविडेंड भी अनाउंस किया है। कितना? 10 पैसे पर शेयर का यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया है। तो छोटा डिविडेंड है, बट हम कहें कि यहाँ पे आपसे डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, वो यहाँ पे कितना आया है। तो वैल्यू लैक्स में दिया गया है, तो हमको करोड़ में कन्वर्ट करना है। 195 करोड़ के आसपास यहाँ पे जो टोटल इनकम है वो यहाँ पे देखने को मिली है। लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 182 करोड़ के आसपास देखने को मिली थी, और लास्ट ईयर यहाँ पे सेम क्वार्टर में 117 करोड़ के आसपास देखने को मिली थी। तो इनकम में यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ोतरी है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ पे बिजनेस इंप्रूव हुआ है। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस यानी खर्चे की बात कर लेते हैं। जो टोटल एक्सपेंसेस हैं, टोटल खर्चे हैं, वो यहाँ पे कंपनी कितने खर्च किए हैं। 146 करोड़ यहाँ पे इस क्वार्टर खर्च हुआ है। यहाँ पे लास्ट क्वार्टर यहाँ पे बहुत कम खर्च हुआ था, 106 करोड़। बिजनेस बढ़ा था लास्ट क्वार्टर, बिजनेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाउन नहीं था, बिजनेस सेम ही था, बट खर्चे बहुत कम थे। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हैं बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, वो यहाँ पे बढ़ जाएंगे लास्ट क्वार्टर में, तो ये चीज़ देख सकते हो। और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी के जो खर्चे थे 85 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी के खर्चे देखने को मिले। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो इस क्वार्टर यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स 49 करोड़ आया है, और लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 76 करोड़ के आसपास आया था। मैं बताया ना कि यहाँ पे जो डिफरेंस है जो टोटल इनकम और खर्चे का, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इस कारण से यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, लास्ट क्वार्टर यहाँ पे ज़्यादा आया था, और लास्ट ईयर अगर देखोगे तो यहाँ पे 27 करोड़ का ही यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें, आफ्टर टैक्स यहाँ पे कंपनी कितना बचाई, 36 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी इस क्वार्टर पैसा बचा पाई, जबकि लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 56 करोड़ के आसपास कंपनी पैसा बचा पाई थी, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 20 करोड़ के आसपास यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो यहाँ पे मात खा गई कंपनी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रिजल्ट है, नेट प्रॉफिट है, वो यहाँ पे अच्छे हैं। तो बिजनेस बढ़ा, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्जिन कम होने की वजह से यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे डिक्लाइन कर गया। तो थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट ये स्टॉक पे डालेगा, तो मंडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा हमको कि मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। आपको कैसे नंबर लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और सपोर्ट करें हमको, ताकि हम हर क्वार्टर की जो अपडेट है, हर स्टॉक की जो अपडेट है क्वार्टर फोर के अर्निंग की, वो यहाँ पे अपने चैनल पे अपलोड कर सके आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।